सर टेक्निकल जीवन में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजमंद वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखें, और क्योंकि वीडियो में कॉपीराइट के कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगा, इस वीडियो को देखते रहिए और एंड तक आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बता दूं, अगर आप नए यूट्यूबर हो और नए यूट्यूब चैनल बनाया हो तो आपको यूट्यूब का कॉपीराइट नॉलेज समझने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत ही टाइम लग जाएगा, कॉपीराइट बहुत टाइम लग जाएगा, यह समझ नहीं पाओगे क्या कॉपीराइट होता है और क्या करने से कॉपीराइट आता है, कॉपीराइट क्लेम आएगा, कॉपीराइट राइट क्या होता है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। सबसे पहले बता दूँ तो कॉपीराइट स्ट्राइक वह कॉपीराइट क्लेम में बहुत ही ज़्यादा अलग अलग है। अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो और 3 महीने में के अंदर 3 स्ट्राइक आ जाते हैं तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। ठीक है, 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर 3 स्ट्राइक आ गए तो आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, तो आपको चैनल को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस वीडियो का कॉपीराइट क्लेम आया उस वीडियो का अर्निंग, जो भी आप उससे अर्निंग करोगे या पैसा कमाओगे, उस कॉपीराइट ओनर के पास जिस पर आपने कॉपीराइट किया है किसी भी चीज़ को, मान लीजिए चाहे सॉन्ग्स हो या कुछ भी ओल्ड टू ओल्ड कुछ भी आप किसी का भी कॉपी करते हो। फ्रेंड, इस वीडियो में बताऊंगा ऐसा चीज़ जिसको आप करोगे तो कॉपीराइट आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। कॉपीराइट बताऊँ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा तो करना क्या है, तो आप देखते हैं डिस्प्ले, देखेंगे डिस्प्ले में एक डिस्क्लेमर दिख रहा होगा। ठीक है, देख रहे हो, तो मैंने यहाँ डिस्क्लेमर अपने डेसिमल बॉक्स में लिख रखा है। और आपको करना क्या है, आपको किसी भी वीडियो को कवर सॉन्ग्स बनाते हैं तो आजकल तो कवर सॉन्ग पर भी कॉपीराइट क्लेम आ रहा है, तो आप भी कवर सॉन्ग्स बनाते हो या कुछ भी म्यूजिक भी यूज़ करते हो तो कुछ भी आपको सलाह देना चाहूँगा, कुछ भी करते हो जो मैंने डिस्क्लेमर लिख कर दिया है उस डिस्क्लेमर आपको डिस्क बॉक्स में आपको नीचे ऐड कर देना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है कि गाइस उसमें लिखा है कि वीडियो नॉलेज पेपर है के लिए है, इस वीडियो को यूट्यूब को देखते हैं नॉलेज पेपर वीडियो बनाया, तो आपको किसी भी कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा। ठीक है, 90% होता है कि कल क्लेम आ जाता है, इसलिए आप ये काम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा दिया है और कॉपी कर लीजिए। और कोई भी देखो, मैं बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे लिख रखा है, मैं बताऊँ आपको, जिस वीडियो के नीचे देख रहे हो उसमें जो वीडियो आप देख रहे हो अभी, ठीक है, सॉरी 1 मिनट तो जिस वीडियो अगर आप देख रहे हो जब तक वो वीडियो चलता है, जब वीडियो में नई वीडियो अपलोड करोगे तो आपको नई यूट्यूबर हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कॉपीराइट क्लेम क्या होता है और कॉपीराइट स्ट्राइक क्या कैसे आता है। तो इस को कॉपी करके अपने डिस्क बॉक्स में नीचे ऐड कर दीजिए और यह करने से कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, नेट स्लो है, जैसे ये वीडियो चल गया, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो दिख रहा है, ये डिस्क्लेमर है। ठीक है, इसे आप कॉपी करके अपने वीडियो हर वीडियो में डाल दें, जिससे आपके कारण कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर देना। ठीक है, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया।